अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ मदनी। काशिफ भाई, क्या कहना चाहेंगे महंगाई के इस आलम में? महंगाई के बारे में, गरीब तो गरीब भी परेशान है, सफ़ेद पोश जो लोग हैं ना, उनके लिए हमारे पाकिस्तान के अंदर जीना महाल हो गया। वो एक तो इन्होंने अभी पेट्रोल का बम गिराया, और दूसरे नंबर पर जो है ना, ये मुल्की हालात बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी है हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा, और महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। मज़दूर तबका परेशान है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आप डेली वीडियोस देखते हैं इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लोग जो है ना अपने बच्चों को फरोख्त कर रहे हैं, माएँ अपने बच्चों को जहर देने का सोच रहे हैं, वालदैन अपने बच्चों को जहर देने का सोच रहे हैं, आए दिन खुदकुशियाँ हो रही है। जो भी हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होता है वो सिर्फ़ अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए सोचता है। कोई ऐसा हुक्मरान अभी तक नहीं आया जिसने हमारे गरीब अवाम के लिए सोचा हो। और जो चाहे कोई पीटीआई हो, चाहे पीडीएम हो, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें कोई सियासी जमात नहीं चाहिए, हमें तो वो पाकिस्तान चाहिए जिसके अंदर गरीब खुशहाल हो, ताजिर तरक्की पे हों, सनतें लगें, जिससे मुल्क के अंदर खुशहाली आए। पेट्रोल के अंदर हुकूमत को चाहिए कि कुछ खुदारा कुछ एहसास करें गरीब आवाम के ऊपर। पहले आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, खुर्दोनोश की अशिया की कीमतें कहीं से कहीं चली गई हैं, सब्ज़ी फ्रूट के ऊपर हाथ नहीं रखा जाता। फिर दूसरे नंबर पे बंदा कपड़े पहने या अपने खाने पीने की अशिया पूरी करें। हम तो ये जो सियासतदान हैं, हमारी दिन से यही रिक्वेस्ट है, खुदारा पाकिस्तान के ऊपर मेहरबानी करें, पाकिस्तान के बारे में सोचें और ये महंगाई को कंट्रोल करें। चाहे कोई भी हुकूमत हो, वो गरीब को रिलीफ दे। बस शुक्रिया।